नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कल रिलीज हुई फिल्म वाई का रिव्यू देने जा रहा हूँ। दरअसल दोस्तों फिल्म वाई एक हॉरर मूवी है जिसे दोस्तों गिरी देवर राज ने डायरेक्ट किया है। आपको बता दूं कि एक कनाडा डायरेक्टर है जिन्होंने ये फिल्म हिंदी में बनाई है, तो एक नया तजुर्बा आपको यहाँ मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों फिल्म की जो लीड कास्ट है उसके अंदर दोस्तों आपके एक तो हरिहरन है, मतलब युवान हरिहरन है मुख्य भूमिका में। साथ ही दोस्तों लियोनेला डिसूजा इसमें प्रमुख भूमिका में है। तो दोनों पति पत्नी के रोल में है। किस प्रकार से दोनों अपने जो दीक्षा दीक्षा नाम है यहाँ पे लियोनेला डिसूजा का नाम दीक्षा है, तो वो किस प्रकार से अपने पिता की जो पैतृक संपत्ति है वहां पे उनका जो घर है वहां रहने के लिए आते हैं और वहां पे उनको ये महसूस होता है कि घर में कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है। किस प्रकार से वो बात बात में डर जाती है, तो कौन उन्हें परेशान कर रहा है, क्या घर में कोई भूत है। अब किस प्रकार से वो अपने पति को कन्विंस करना चाहती है लेकिन चूंकि वो बोल नहीं पाती है तो वो क्यों उन्हें समझा नहीं पाती है, एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार की डर उन्हें महसूस हो रहा है, किस प्रकार का खौफ उन्हें लग रहा है, इस बारे में वो एक्सप्लेन अपने पति को कर नहीं पाती है। तो दोस्तों किस प्रकार से फिर कहानी आगे बढ़ती है, क्या क्या रहस्य है उस घर में, क्या मर्डर मिस्ट्री है या फिर कोई भूत है या कोई और सस्पेंस है, ये सब कुछ चीजें अगर आपको देखनी है तो दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता है। इस प्रकार की जो हॉरर सस्पेंस मूवी होती है तो उसके बारे में ज्यादा खुल करके बात की नहीं जा सकती वरना स्पॉइलर हो जाता है। तो क्लाइमैक्स बहुत ही बेहतरीन है इसका, क्लाइमैक्स शॉकिंग, आपको मजा आएगा क्लाइमैक्स में। और फिल्म को जिस प्रकार से बनाया गया है बहुत ही मजेदार है, मतलब काफी आपको अच्छा लगेगा। अगर आप कंटेंट बेस्ड फिल्म पसंद करते हैं, अगर आप स्टोरी पसंद करते हैं तो वो स्टोरी बहुत ही दमदार है इस फिल्म में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब आप हॉरर मूवीज की बात करते हैं तो हमें अचानक से रामसे ब्रदर्स द्वारा बनाई गई हॉरर फिल्में जिसे पुराना मंदिर है, इस तरह की फिल्में तहखाना है, ऐसी फिल्में याद आती है, या फिर विक्रम भट्ट के द्वारा भी बनाई गई कई हॉरर मूवी है जैसे राज है, तो ऐसी फिल्में याद आती है। लेकिन वहां पर दोस्तों कई तरह के दृश्य भी ऐसे होते हैं जो ऐसी फिल्मों में डाले जाते हैं जिनको फैमिली के साथ नहीं देखा जा सकता। साथ ही दोस्तों ऐसी फिल्मों में कुछ कॉमेडी भी डाली जाती है अलग से, तो यहाँ पर यह कुछ आपको देखने को मिलने वाला है नहीं। यहाँ पे पूरी तरह से स्टोरी पर ही फोकस किया गया है, ना तो कुछ ऐसे दृश्य डाले गए हैं जिनको देखने के लिए मतलब आपको नजरें चुरानी पड़े, अपने परिवार के साथ आप देख नहीं सकते, ऐसे कोई दृश्य नहीं है। ना ही दोस्तों इसमें जबरदस्ती ठोसी हुई कॉमेडी डाली गई है जो कई लोगों को पसंद भी आएगी कि चलो ठीक है एक स्टोरी पर ध्यान दिया गया है, कुछ भी जबरदस्ती डालने की कोशिश नहीं की गई है। वहीं कुछ लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट का अभाव लगेगा, मनोरंजन का अभाव लगेगा, क्योंकि तो फिल्म में एक्शन नहीं है, कॉमेडी नहीं है, तो ये थोड़ा सा अखरेगा आपको। एक्शन कॉमेडी रोमांस की फिल्म में जरूर कमी आपको यहाँ पे नजर आती है, लेकिन अगर आप फुल स्टोरी चाहते हैं, कंटेंट चाहते हैं, एक अलग तरह की फिल्म देखना चाहते हैं और विशुद्ध एक हॉरर मूवी देखना चाहते हैं, ऐसी हॉरर मूवी जो शायद आपने इस तरह की हॉरर मूवी आपने नहीं देखी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि हॉरर मूवी का याद आते ही आपको ये लगता है कि कुछ ऐसे दृश्य होंगे, कुछ कॉमेडी होगी, कुछ एक्शन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक सीधी सादी स्टोरी है लेकिन स्टोरी कमाल की है। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स है जो आपको मतलब बांध करके रखते हैं, और क्लाइमैक्स तो बहुत ही शॉकिंग है। क्लाइमैक्स में आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा सरप्राइज होने वाला है, तो काफी अच्छा क्लाइमैक्स फिल्म का लिखा गया है। बीजीएम बेहतरीन है, विजुअल्स बहुत ही अच्छे है, सिनेमाटोग्राफी भी बहुत शानदार है, डायलॉग्स अच्छे है, और जो डायरेक्शन है डायरेक्शन भी बहुत ही कमाल का है। गिरी देवा राज का जो डायरेक्शन है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के फिल्म अच्छी है, अगर आप कुछ अलग फिल्म देखना चाहते हैं तो आप ये फिल्म अपने परिवार के साथ जरूर देख सकते हैं। मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। टेक केयर।